फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आलू टिक्की बनाने। बहुत ही टेस्टी, इसे हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू टिक्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टमाटर को काट लिया है, मैं इसे मिक्सी की जार में अब पैक कर रही हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़ा, 10 से 12 पीस काली मिर्च, और इसे कब ग्राइंड करें। अगर ज़्यादा टमाटर हो तो आप आधा करके ही ग्राइंड करें। मैंने टमाटर, अदरक और काली मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। पैन को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब रिफाइंड। रिफाइंड गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, ग्राइंड किया हुआ टमाटर, अदरक और काली मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, मैं इसे साइड में रख रही हूँ। पैन गर्म हो चुकी है, मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड, और रिफाइंड गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, प्याज, कटा हुआ गाजर, मटर, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, और इसे कुछ देर कवर करके रखे। यह लगभग पक चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल्ड आलू, स्वाद अनुसार नमक। यह अब तैयार हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, अजवाइन मंगरेला, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच के करीब रिफाइंड। हाँ, और इसे मिक्स करें, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे आटे की तरह टाइट गूँथ ले। डो को तैयार कर लिया है, और इसे कवर कर दे। इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालें, और इसे मिक्स करें। कटा हुआ हरा धनिया और मैदे को इस तरह से आप पूड़ी की तरह बेल ले। मैंने एक स्टील की ढक्कन रखी है, और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ। इसे आप इस तरह से सूखा बना ले। पूड़ी बनाया है उसे इस तरह से रखे, और इसे जो बाहर में निकला हुआ है इसे कटिंग कर दे, हल्का से दबा दबा करके इसे कट करके निकाल दे। इस तरह से बॉयल्ड आलू को फ्राई करके रखा है, इस तरह से इसे फिल कर ले, चम्मच की सहायता से इसे होल कर ले, और इसे इस तरह से तैयार करें। और एक मैंने प्लास्टिक को इधर रखा है, इस पे मैं थोड़ा सा मैदा रखी हूँ, टिक्की बनाया है उसमें चिपके नहीं। और इस तरह ढक्कन को आप चारों तरफ से इसे हल्का हल्का ठोक दे, इस तरह से बना लें। और इस तरह से मैंने बनाए हैं। पैन को रखा है गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो चुकी है, मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड। गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ, एक एक करके डालें। गैस की आंच धीमी रखें, इसे धीमे आंच पे फ्राई करें, इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। यह हो चुका है, मैं इसे निकाल रही हूँ। जो मैंने चटनी बनाया था कोन में फिल कर लिया है, और इस चटनी को मैं इसमें फिल कर रही हूँ। इस तरह से फिल करें, इस तरह से सभी आलू के टिक्की में फिल कर दे। ये हमारी आलू टिक्की बनकर तैयार है, और बहुत ही चटपटी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे खट्टी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।